बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक बहुत ही ब्रेकिंग खबर, ताज़ा तरीन खबर और बहुत ही अच्छी खबर। जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। सदारती रेफरेंस था डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये रेफरेंस भेजा था वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पे, उस वक्त के वज़ीर आज़म, अब के नहीं। लोटाक्रेसी, फ्लोर क्रॉसिंग, ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, सिंध हाउस में जो मेला लगा था और बहुत सारे मुनहरिफ अरकान बहुत ही शान शौकत से अपनी लोटाक्रेसी पे फ़ख्र कर रहे थे, उनके लिए एक बुरी खबर। न सिर्फ उनके लिए बुरी खबर बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड कंपनी के लिए भी बहुत ही बुरी खबर आई है। और वो ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह की है। कुछ सवालात पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कुछ सवालात पूछे थे। सवालात ये थे कि आर्टिकल 63A में एक तो ना अहली का तायुन नहीं किया गया कि वो ताहियात है, दूसरा ये कि क्या जो मुनहरिफ रुकन जो पार्टी से इन्हराफ करे क्या उसे वोट डालने का हक दिया जा सकता है, और अगर वो वोट डाल दे तो क्या उसका वोट शुमार होना चाहिए, और तीसरा ये कि अगर वो वोट शुमार भी कर दे तो क्या उसका वोट मनसूख नहीं होना चाहिए। ये सवालात किए गए थे और ये उठाया था जी बीड़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और उन्होंने बहुत ही इस पर फोकस किया था। लिहाजा एक बहुत सारे पुलों के नीचे से पानी तो गुजर गया, तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो गई और लोटों को उसमें वोट डालने का मौका नहीं मिला, लेकिन लोटाक्रेसी मौजूद है और पार्टी के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली में मौजूद हैं, बैठे हैं, वेटिंग में थे कि जनाब अगर कोई नंबर शॉर्ट होगा तो हम वोट दे देंगे, अगर शहबाज शरीफ साहब को एतमाद के वोट की ज़रूरत पड़ी तो हम दे देंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो भी जाएगा उसका वोट शुमार नहीं होगा। लिहाजा ये बहुत ही बड़ा फ़ैसला आया है मौजूदा तनाजुर में, मौजूदा हालात में बहुत बड़ा फ़ैसला है। और उसमें इसकी मैं बता देता हूँ कि इसकी रीज़न, इसके आगे नतीजे क्या निकलेंगे, ये ज़रा आपको बताता हूँ। अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उनके इत्तेहादियों को छोड़ देते हैं, मसलन उनके सिर्फ दो वोट ज़्यादा हैं, 174 वोटों से वो वज़ीर आज़म बने हैं, अगर उनको कोई इत्तेहादी छोड़ देता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब को सदर ममलिकत एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, और एतमाद का वोट जब वो लेने का कहेंगे तो जो इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि जनाब जो मुनहरिफ अरकान हैं और लोटाक्रेसी का शिकार हो चुके हैं, फ्लोर क्रॉसिंग की है और पार्टी क़यादत का हुक्म नहीं मान रहे, उनके बारे में क्या होगा, तो उनको रखा हुआ था वेटिंग में कि जनाब हम आपको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वफाकी वज़रा ने, साबिक वज़रा ने और मीडिया ने भी ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि बहुत पैसे चले हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपया का लेन देन हुआ है और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना पार्टी कौन छोड़ता है बगैर किसी लालच के। उसके बाद आपने देखा कि सिंध हाउस में फ्लोर क्रॉस करने वाले अराकीन पार्लियामेंट धड़ल्ले से सीना तान के फिरते रहे और वो अभी भी फिर रहे हैं। इस्तीफ़ा दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौमी असम्बली, और ये जो 20 मुनहरिफ अरकान थे ये नहीं दे रहे थे इस्तीफ़ा भी। तो हुआ ये है कि अब इनका वोट शुमार नहीं होगा, ना ही अदम एतमाद ना ही एतमाद के वोट में, एक बात। दूसरी बात जी, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक मैसेज चला गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान के जो केस था, यानी कि PTI के 25 MPA जो मुनहरिफ हो गए, जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, जो लोटाक्रेसी का शिकार हुए और उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था वज़ीर आला, वज़ीर आला कौन से, विजिटर्स गैलरी वाले वज़ीर आला, जो कि लाउड स्पीकर पे जिनका इलेक्शन हुआ था और पुलिस ने करवाया था, पंजाब पुलिस ने अंदर दाखिल हुई थी, तशद्दुद किया था,
और वज़ीर आला के उम्मीदवार और मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तो उन हालात में पंजाब पुलिस के ज़रिए जो इलेक्शन हुआ था उसके नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए। और वज़ीर आला पंजाब किन वोटों से बने? मुनहरिफ अरकान के वोटों से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका केस मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में नहीं आ रहा था और यही कहा जा रहा था कि जुर्म ही नहीं हुआ, जुर्म होगा तो देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज जजमेंट रिजर्व की है और वो फैसला सुनाया जाएगा कल। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, अब वो इनसे बाहर नहीं निकल सकते। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई हैंकी फेंकी की तो मेरा ख्याल है कि उनकी दुर्गत बन जाएगी। लिहाजा कल जो फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान के बारे में, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से इनहराफ नहीं कर सकते और उनको भी घर जाना होगा। वो वोट शुमार नहीं होंगे 25 मुनहरिफ अरकान के, और अगर वो वोट शुमार नहीं होते तो इसका मतलब है हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे और उनकी हो जाएगी छुट्टी। और इस तरीके से जो इलेक्शन एक धौंस और धांधली से करवाया गया था, वज़ीर आला पंजाब का, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया, असम्बली सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान को गिरफ़्तार किया गया, स्पीकर को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी, सेक्रेटरी असम्बली को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, कई बेचारे रूपोश हैं, कई अफसर जमानतों पर हैं और कई गिरफ़्तार हैं। तो ये सारा एक काला कानून चल रहा था और पंजाब में, और अभी तक काबीना तश्कील नहीं पा सकी थी और जो लौटे थे उनकी मदद से वज़ीर आला बने थे। लिहाजा कल जो फैसला आएगा उसके बाद इस बात का इम्कान मौजूद है जनाब कि हमजा शहबाज वज़ारत आला पंजाब से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उनका हलफ भी नहीं लिया था गवर्नर साहब ने और उनके बारे में कहा गया था कि उनका इलेक्शन गैर आइनी है। लिहाजा ये एक नया टर्निंग पॉइंट कल आएगा। और दूसरी जानेब अगर हमजा शहबाज नहीं रहते तो इलेक्शन दोबारा होगा। फिर अगली बात ये भी बता दूं कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा गैर आइनी था, और अगर उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा गैर आइनी था और मान दिया जाता है तो फिर क्या होगा? उस्मान बुज़दार साहब बहाल हो जाएंगे या फिर वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा होगा। और अगर वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा होता है, यकीनन दोबारा होगा, तो फिर कौन जीतेगा इसके लिए ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, दोनों जमातों की मिलके मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी इनको हासिल हो जाती है। लिहाजा जनाब ये एक अच्छी खबर नहीं है इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज साहब के लिए। और अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहते तो अगले मरहले पर फर्द जुर्म आयद होनी है। तो ये सारे का सारा जो इंपॉर्टेंट कंपनी है, लगता यह है कि उसके डूबने की इब्तदा हुई जाती है। और इधर आते हैं अगर मरकज़ में, तो मरकज़ में तमाम मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है इत्तेहादी जमातों से शहबाज शरीफ साहब की, और असम्बली बरकरार रखनी है या तोड़नी है इसके बारे में गुमगू की कैफियत है। जरदारी साहब बदस्तूर बज़िद हैं कि नहीं जनाब, नहीं असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी बल्कि इसको जारी रखा जाए, और फ़ौज से मदद मांगी जा रही है, फ़ौज से मदद मांगी जा रही है अफवाज पाकिस्तान से, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कि जनाब हमें सहारा दें, हमें बचाएँ और हम या हमारी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दें, और इसके जवाब में हम भी आपको एक साल की ऑफ़र करते हैं, एक साल एक्सटेंशन की ऑफ़र करते हैं, आप भी एक साल ले लें, हमारी भी मुद्दत पूरी करने दें। तो इस तरीके से अगले साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा। तो ये मामला चल रहा है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। और बहुत जल्द आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और उसमें अगला सियासी सेटअप क्या होगा, असम्बलियाँ बरकरार रहेंगी नहीं रहेंगी, कब इलेक्शन करवाना है, कब असम्बली डिसॉल्व करनी है, इसके बारे में हतमी तौर पे फैसला किया जाएगा। अब ये वही लोग हैं जी जो सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की गर्दान लगा के बैठे थे पौने चार साल, इन्होंने यही गर्दान पड़ी और अब वही सिलेक्टर और सिलेक्टेड की गर्दान वाली तमाम सियासी जमातें मिलकर सिलेक्टर से कह रहे हैं कि जनाब हम पे नज़र करम करें, नज़र नायत करें, आओ मिलकर खेलते हैं, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। तो इमरान खान साहब का ज़रा तिया पांचा करें, इमरान खान को फितना करार दिया जा रहा है,
वो पता नहीं फितना है या नहीं है, लेकिन फिल वक्त जो पब्लिक है, पब्लिक ये कहती है कि हमें ताज़ा इलेक्शन चाहिए। और ये जो मेमो के नतीजे में हुकूमत कायम हुई है, ये इसको हम कबूल नहीं करेंगे। और यही वजह है कि डेढ़ महीना हो गया जनाब, डेढ़ महीना, पूरे 45 दिन हो गए हैं। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है क्या? इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और 18 करोड़ से ज़्यादा वोट आ चुके हैं, 18 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुकी हैं। और इससे आप अंदाज़ा कर लें, 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, 18 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुकी हैं। और इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि पब्लिक का मूड क्या है इंपोर्टेड हुकूमत के बारे में। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को भी तसल्ली हो गई होगी काफ़ी हद तक, डोनाल्ड लू को भी इत्मीनान हो गया होगा कि कितनी बड़ी मेहनत से उन्होंने ये सब कुछ किया था और उसके नतीजे में क्या हुआ। तो वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दे दी है और बुनियादी बात जो है उससे अगली कि जी वो ताहयात नाहली है या नहीं, उसके लिए तो डेफिनेटली जी वो रजू करेंगे। पार्लियामेंट को भेजा गया वापस, ज़ाहिर है पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट करे, उसमें लिखे, जो भी कानून बनाना है वो करे। लेकिन एक अहम तरीन तशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दी कि उनका वोट कास्ट नहीं होगा, वोट शुमार नहीं होगा। इसका मतलब है कि सारे का सारा जहर ही निकाल दिया लोटाक्रेसी और फ्लोर क्रॉसिंग से और उनको नॉन फंक्शनल कर दिया। बुनियादी बात यह कि जो पार्टी से इनहराफ करेगा MNA कर ले, लेकिन उसका वोट नहीं होगा। जब वोट नहीं होगा तो उसको ख़रीदा नहीं जा सकेगा, उसका वोट वो पैसे नहीं कमा सकेगा और दो नंबर तरीके से ये काम नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये बहुत ही अहम तरीन फैसला है, अहम तरीन जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देर आए दुरुस्त आए उस रेफरेंस का फैसला दिया। इस फैसले को रुकवाने के लिए आखिरी वक्त तक बैरिस्टर मखदूम अली खान, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब नई हिदायत लेने दें, उनका इंतज़ार करें। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कुछ डिले नहीं किया बल्कि फ़ैसला सुना दिया। अब मरकज़ में भी, और अगर वो कहते हैं कि जी सीधे हाथ से अगर घी नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से ही ये निकालना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे तरीके आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला, आने वाले दिनों में इसके आप समरात और बरकात देखेंगे कि कितने होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।